गाड़ी नहीं हटाना, इनके पुलिस वालों के 15-15 ठेले खड़े रहते हैं, 20-20 ऑटो खड़े रहते हैं, दुकानदार सहन करता है, दुकानदार के ऊपर अत्याचार होता है, वो सहन करता है, पुलिस वाले पैसे लेके उनको अंदर घुसाते और दुकानदार को दबाते। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में बाजार बंद रखकर जताया विरोध। दरगाह बाजार सहित आसपास के बाजारों में व्यापारी दरगाह सीआई को हटाने की मांग पर अड़े। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के दौरान पिछले 3 दिन से नगर निगम के साथ दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह मैं जाप्ते के अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमणों को हटा रहे हैं। वहीं व्यापारियों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के दौरान कई बार पुलिस और व्यापारियों के बीच तनातनी भी हुई है। इसको लेकर 2 दिन पूर्व दरगाह सीओ पार्थ शर्मा और दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार के साथ व्यापारियों की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें तय किया गया कि व्यापारी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करेंगे, वहीं पुलिस भी उन्हें नाजायज परेशान नहीं करेगी। बावजूद इसके दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह द्वारा बुधवार को एक होटल व्यवसायी के पुत्र के साथ की गई अभद्रता के बाद दरगाह बाजार सहित आसपास के सभी बाजार बंद कर दिए गए। यह विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में 114 व्यापारिक एसोसिएशनों ने सहयोग देते हुए दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह को हटाने की मांग करते हुए बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दरगाह बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष होतचंद शिवजानी ने बताया कि जब तक सीआई फौजदार को नहीं हटाया जाएगा तब तक बाजार नहीं खुलेंगे। व्यापारी इज्जत के साथ व्यापार करने के लिए बैठा है, पुलिस की गाली खाने के लिए नहीं। मामला ये है कि सीआई साहब ने बहुत आतंक मचा रखा है इधर बाजार में। सबसे गलत व्यवहार करना, अपशब्द बोलना और दुकानदार को दुकानदार समझना नहीं, और उनके साथ में गलत गाली को उतार करना, उनके गलत चालान करना, उनके गलत माल फेंक उठा के फेंकना करना, तो ये दुकानदारों से बर्दाश्त नहीं। हम तो चाहते हैं इन सीआई को यहाँ से तबादला कर दिया जाए और हमारी शांति से हमारी बाजार चलने दे। क्या मानते हैं, मेला भी चल रहा है, बाजार मेला चलता है तो मेले से तो हम व्यापारी दुखी है। इन पुलिस को तो कोई परवाह है नहीं, व्यापारी को दुख हो रहा है। पुलिस को सोचना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए हमारे पास कि भाई क्या तकलीफ है आपके पास। हम 1200 व्यापारी बाजार में खड़े हैं और प्रशासन का कोई आदमी नहीं आता है, तो समझो प्रशासन दादागिरी करना चाहता है बाजार के अंदर। उनको दादागिरी करनी है, कल भी दादागिरी करी इन्होंने बाजार के अंदर, स्कूटर फेंकना, गालियां देना, किसी का मास्क नहीं है उसको 1000 रुपया चालान करना, गाड़ी नहीं हटाना। इनके पुलिस वालों के 15-15 ठेले खड़े रहते हैं, 20-20 ऑटो खड़े रहते हैं, दुकानदार सहन करता है, दुकानदार के ऊपर अत्याचार होता है, वो सहन करता है, पुलिस वाले पैसे लेके उनको अंदर घुसाते और दुकानदार को दबाते। ये कहाँ चलेगा, कहाँ का इंसाफ है ये? अच्छा सीआई को हटाना चाहिए। हाँ, नहीं होगा, दुकानें नहीं खुलेगी, सारी अजमेर बंद होगा। अभी आधे घंटे के बाद मिनरा बाजार बंद होगी, मजार गेट बंद होगा, धान मंडी, दरगाह बाजार सब बंद होगा। वहीं श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि अजमेर के समस्त व्यापारिक एसोसिएशनों के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद निर्णय लिया गया कि जब तक सीआई फौजदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाजारों को नहीं खोला जाएगा। धीरे धीरे सभी बाजार बंद हो रहे हैं, कुछ ही देर में मदार गेट भी बंद होगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें वार्ता का निमंत्रण दिया गया है और वे वार्ता के लिए जा रहे हैं। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में सभी पदाधिकारी आए हैं और दरगाह बाजार में जो एक सीआई साहब है उनकी नादरशाही चल रही है, उसको देखते हुए सभी व्यापारी बहुत परेशान है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का मेला भर रहा है, उसमें अगर ऐसी हठधर्मी अगर प्रशासन की चल रही है तो बहुत गलत है। व्यापारी वैसे ही
परेशान है, कोरोना काल से जूझता हुआ आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी आज दो दिन से दुकानें बंद पड़ी है। और हमारी वो इसकी वजह है सीआई साहब आए दिन दादागिरी करते हैं व्यापारियों से। कल किसी गाड़ी को लेके मैटर हुआ था दरगाह बाजार में कि गाड़ी हटाई जाए, तो व्यापारी ने कहा आप चालान कर दीजिए, बोले मैं गाड़ी उठा के फेंक दूंगा। इस बात पे थोड़ी व्यापारी और उस टाइम जुलूस का टाइम भी था तो सहयोग करना चाहिए, सहयोग कराना व्यापारी ने, गाड़ी हटाई है बकायदा। आगे रणनीति यही है, पूरे जरूरत पड़ी तो अजमेर बंद कराया जाएगा। और जब तक हमारे दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन, कितने व्यापारियों से बात हो चुकी है दुकान में, अभी हमारे 114 व्यापारी एसोसिएशन है हमारे साथ हैं, उनसे सबसे बात हो चुकी है। मेले को देखते हुए भी हम थोड़ा ढीला कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि मेला है, सबके पेट है, रोजी रोटी है, क्योंकि वैसे ही परेशान है व्यापारी। इसको देखते हुए आगे जो रणनीति होगी सभी व्यापारी बैठ के करेंगे, और जैसा निर्णय होगा उसको हम प्रशासन से वार्ता, अभी हमारे को बुलाया है एडिशनल एसपी साहब ने, जरूर जाएंगे बात करेंगे, उनके आग्रह पे हम जरूर जाएंगे, पर हमारी जो मांगे हैं वो उनको रखेंगे, अगर हमारी मांगे मंजूर हो गई तो हम दुकानें खोल लेंगे, अन्यथा ये दुकानें बंद रहेंगी। गौरतलब है कि दरगाह बाजार में बुधवार को छड़ी के जुलूस के दौरान एक दुकान के बाहर खड़े दोपहिया वाहन को हटाने को लेकर सीआई दलबीर सिंह फौजदार द्वारा की गई अभद्रता के बाद व्यापारी भड़क गए और उन्होंने बाजार बंद कर सीआई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापारियों ने दलबीर सिंह फौजदार पर होटल व्यवसायी के पुत्र के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए दरगाह बाजार सहित आसपास के बाजारों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। देखो जी, ये वो आज की मुसीबत नहीं है, काफी दिनों से सीआई साहब से वार्तालाप चल रही है, रोज कोई न कोई झगड़ा चलता रहता है। सीआई साहब से एक दफे नहीं 10 दफे हम मुलाकात कर चुके हैं, उच्च अधिकारी से भी बात कर चुके हैं कि दुकानदार अगर गलती करता है उसका चालान काटो, पर उससे अपशब्द मत कहो। ये बात 3 दिन पहले भी हम डिप्टी साहब से मिले थे, लेटर पेट में मिले थे, उनकी शिकायत भी की थी, पर वही वार्तालाप हुई कि आज के बाद नहीं होगा। आज सुबह भी मेरी बात हुई सीआई साहब से, कोई भी अगर आपको लगता गलत है तो हम यूनियन वालों को बताओ, आज सुबह भी हम पूरे जो भी कार्यकारी के सदस्य है अपने स्तर पे एक एक दुकानदार को 2 फुट 2.5 फुट सामान अंदर करवा के, सारा सामान अंदर करवा के सुबह को मेरी बात आई, सीआई साहब से बात हुई, कोई भी दुकानदार आपको लगता गलत है उसका चालान काटो, पर उससे अपशब्द मत कहो। पर अभी भी सुबह को शाम को जब जुलूस निकल रहा था, एक बंदे के हमारे मित्र की होटल के बाहर सिर्फ एक्टिवा खड़ी थी, तो उसको भी गाली देना, अपशब्द कहना, इसके लिए व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है। आज से नहीं, कम से कम 6-8 बजे से जब से साहब आए इनका व्यवहार मालूम नहीं, कुछ क्यों मालूम नहीं, दुकानदारों से इनकी कुछ भी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, इसलिए व्यापारियों ने आज बिल्कुल सर पे पानी चढ़ गया, इसलिए आज बाजारें बंद करी है। और फिलहाल जब तक हमारे उच्च अधिकारी से बात नहीं हुई तब तक बाजारें खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। आप ये बताइए कि आपके साथ इस मामले बाजार है, हमारे 190 दुकानदारों की दुकान है, उनके साथ पूरी हमारी यूनियन पूरी साथ है, एक साथ है, नला बाजार वाले भी कल आए थे परसों, वो यूनियन भी साथ है, नला बाजार की 2 बाजार है, महासंघ भी साथ है, धान मंडी वाले साथ है, करका चौक वाले साथ है, पूरा आप मानो जो भी दरगाह क्षेत्र के संबंध दिगी बाजार वाले, डला बाजार वाले, काउंटरसपुरा वाले पूरे हमारे साथ है। किस तरीके से आप अपना विरोध करेंगे? विरोध सर व्यापारी क्या करेगा, मुंह पे पट्टी बांध के और दुकानें बंद करके बैठ जाएगा और क्या करेगा, गाली तो कोई कहेगा नहीं, अब शब्द कोई सुनेगा नहीं। कोरोना कारण के कारण भी 2 साल बैठ के घर में खाना खाया है, अभी व्यापारी बोलता 2-10 दिन 15 दिन और बैठ जाएंगे। अभी गांजा गरीबनाथ का उर्स चल रहा है उसको लेकर, पर साहब वो हम आप बिल्कुल आपकी बात सही है, पर गांजा खाने के लिए दुकानदार नहीं आता, जो नौकर वहाँ पे काम करता कर्मचारी कार्य करता है वो बोलता मैं काम करने आता हूँ गाली खाने नहीं आता हूँ। तो सर कोई भी आप भी हो, आप कोई भी आप अपना ईमान है, आपने इससे पूर्व में क्या किसी उच्च अधिकारी से 4 दिन पहले भी हम डिप्टी साहब से मिले थे, डिप्टी साहब ने पूरा आश्वासन दिया, सीआई साहब भी आए थे, उन्होंने बोला आज के बाद अपशब्द नहीं होगा, हमने बोला व्यापारी गलत उसका आप चालान करो, अगर कोई एक्टिवा पे जा रहा है उसको हेलमेट नहीं पहना हुआ आप उसका चालान कर दो, जो भी आपका रूल्स बने हुए उनसे कर दो, उसको आप गाली या गलौज थोड़ी दोगे आप।